हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ अपेंड चाइल्ड एचटीएमएल डोम में होता क्या है। ठीक है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। द अपेंड चाइल्ड मेथड इन जावास्क्रिप्ट इज यूज टू अपेंड अ चाइल्ड टू अ पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, अपेंड चाइल्ड का मतलब ये है कि जो भी आपका एक एलिमेंट है, अगर आपको आपको कहाँ इंसर्ट करना है उस चाइल्ड को, तो वो आप उसमें बताते हो कि मेरे को ये वाली चीज़ इस वाली डिव में ऐड करनी है, तो उसे कहते हैं अपेंड चाइल्ड एचटीएमएल डोम इन जेएस। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि सपोज मान लो आपके पास एक आउटर डिव है। ठीक है, अब आपने एक एलिमेंट क्रिएट किया है। ठीक है, अब उस एलिमेंट को चाहते हो कि उस आउटर डिव के नीचे अपेंड हो जाए, तो क्या क्या यूज़ करोगे? अपेंड चाइल्ड, क्योंकि उस डिव का अब चाइल्ड ही है ये। ठीक है, तो पेरेंट एलिमेंट आपको पता होना चाहिए, तब भी चाइल्ड को क्या कर सकते हो, आप अपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो पेरेंट एलिमेंट आपको पता होगा, अपेंड चाइल्ड करना है और चाइल्ड का जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पे रखना है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि मैंने वैसे पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, दो, ओके, सीम, आई थिंक इट्स अ सेम आई गेस, लेट मी कॉपी दिस वन, अपेंड चाइल्ड एग्जांपल। ठीक है, अब मेरे पास ये पेरेंट डिव है, अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ अपेंड करना है, इस डिव में अपेंड करना है, तो मुझे पेरेंट पेरेंट की आईडी पता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक एलिमेंट क्रिएट किया पी का और इसमें टेक्स्ट कंटेंट लिख दिया चाइल्ड एलिमेंट। ठीक है, अब मेरे को इसमें अपेंड, अब ये एलिमेंट जो मैंने पैराग्राफ का बनाया है, अब मैं चाहता हूँ कि ये पेरेंट के नीचे जाए। ठीक है, तो पेरेंट का मुझे पता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी से क्या करूँगा, इस एलिमेंट का निकाल लूँगा सारा का सारा इंस्टांस। ठीक है, अब उसमें क्या करूँगा, पेरेंट एलिमेंट के अंदर अपेंड चाइल्ड कर दूंगा पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ क्या है, पूरा पूरा एक पी टैग है, तो पी टैग को मैंने क्या किया, डिव पेरेंट के अंदर क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, अपेंड कर दिया। ठीक है, तो जब भी आपकी रिक्वायरमेंट आती है, तो आपका जो एलिमेंट है वो आपको पहले क्रिएट कर लो। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी से आपको पता ही है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट आपको मिल चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर इसके साथ आपको कुछ भी अपेंड करना है, बस आपको यूज़ करना है अपेंड चाइल्ड, और याद रखिएगा यहाँ पे जो एलिमेंट होना चाहिए वो पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, जो भी ये वाला एलिमेंट, ये वाले इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट निकल आएगा ना पूरा का पूरा गेट एलिमेंट बाय आईडी से, तो ये आपको मिल जाएगा। अब इस पेरेंट एलिमेंट के अंदर आपको अपेंड करना है जो आपने एलिमेंट बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप अपेंड चाइल्ड का यूज़ कर सकते हो। अपेंड चाइल्ड अलाउज यू टू डायनामिकली ऐड चाइल्ड एलिमेंट्स टू अ पेरेंट। पेरेंट में जब भी चाइल्ड एलिमेंट को ऐड करना है, तो आपने अपेंड चाइल्ड का यूज़ करना है, इनेबलिंग यू टू मैनिपुलेट और मॉडिफाई द एचटीएमएल स्ट्रक्चर ऑफ योर वेब पेज यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सेव करके चला लेते हैं, क्या हुआ इसके साथ। ठीक है, ये थी मेरे पास पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, आप देख सकते हो डिव थी पेरेंट एलिमेंट, अब इसके अंदर पी एलिमेंट क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट आए कि हाँ भाई मेरे को इस पेरेंट के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, पेरेंट चाइल्ड को यूज़ कर सकते हो। तो तरीका क्या है, लॉजिक क्या है, सबसे पहले आपको एक एलिमेंट क्रिएट करना है, या आपके पास पहले से कोई एलिमेंट है तो आप, अच्छी बात है, वो मतलब एलिमेंट होना चाहिए आपके पास। सेकेंड चीज़, आपको जो पेरेंट डिव है आपके पास, उसकी एलिमेंट बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी से गेट करनी है, और उस पेरेंट डिव में अपेंड चाइल्ड का यूज़ करके उस एलिमेंट को पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो सेम चीज की है, लॉजिक सिंपल सा यही है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।